So good morning students, again a very important topic for those who want to make their career in Bihar Vidhan Sabha Group D. Students, आपको अभी तक हमारे topics कैसे लग रहे हैं, please जरूर बताइएगा. हमने आपको above 45 videos की एक playlist बनाकर दे दी है, जिसका नाम ही बिहार विधानसभा ग्रुप डी है. At least, please उन videos को जरूर देख लीजिएगा. पर हमारी request रहेगी कि आप हमारे channel में हमने आपको 900 और videos दे रखी है, जो interview, body language और spoken English पर ही based है, आपके बहुत काम आएंगे, आप उन्हें go through करिए. चलते आज के question पर, ज्यादा अच्छा रहेगा. Yes. पूजा, क्या लगता है, क्या आज आपने जो भी कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चंस देखे उसमें से आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिला जो इम्पोर्टेंट हो और लगे कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है? यस सर, क्या इंटरव्यू में सभी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहिए? ओके, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि इंटरव्यू जब हम देने जाएं तो हमें अपने सब्जेक्ट्स जो भी हमने स्टडी करी है, टेंथ स्टैंडर्ड मान लो, या क्योंकि बहुत से बच्चे तो ओवर क्वालिफाइड तो होंगे, ये तो है ही, तो आपने जो भी सब्जेक्ट्स किए, चाहे वो बीएससी बायोटेक हो, चाहे आप बीकॉम हो, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीसीए हो, आपने अपने सब्जेक्ट्स को करके जाना है क्या? वेरी राइट, गुड क्वेश्चन. चलिए हम इससे पहले हमारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं हमारी बुक्स के लिए. यूनिवर्सल इंटरव्यू वन ऑफ द बेस्ट बुक आई कैन से स्टूडेंट्स फॉर यू पीपल. अदर देन दैट, अगर आप अपनी इंग्लिश डेवलप करना चाहते हैं, गो विद 70 बेस ऑफ स्पोकन इंग्लिश. हम आपको टेलीफोन कोर्सेज दे रहे हैं, आपको हमने एग्जाम्पल्स भी दिखाए थे जिसपे हमसे बहुत से बच्चे टेलीफोन कोर्सेज कर भी रहे हैं. एंड पीपल आर विजिटिंग हेयर, इवन वी हैव अ स्टूडेंट फ्रॉम बिहार एंड अदर प्लेसेज फॉर दिस जॉब. अब चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन के अंदर, क्या ये जरूरी है कि हम अपने सब्जेक्ट को अच्छे से करके जाए? वैसे तो स्टूडेंट्स मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपका जो भी जॉब प्रोफाइल है वो अगर हम लाइन से भी देखें तो नंबरिंग गिनती की है. लाइब्रेरी अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, सीक्वेंस डिस्ट्रीब्यूटर, आप ये जो जॉब्स देख रहे हैं, हाँ मैं बात उनकी भी करूँगा, ड्राइवर वॉचमैन वगैरह की, पर जो इम्पॉर्टेंट जिसके लिए मैक्सिमम कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं, अच्छे वेल क्वालिफाइड बच्चे इन जॉब्स के लिए जाएंगे, तो आप नोटिस में करिए क्या आपने 10th स्टैंडर्ड ही पास करी है? नहीं. मैंने आपको एक वीडियो दिया था, अगर आपने देखा था तो, आर यू ओवर क्वालिफाइड, देखा था वो वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप उसको गो थ्रू जरूर करिएगा. पर अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है, क्या मैं मेरे सब्जेक्ट सारे पढ़ के जाऊं? एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपने किसी बात को, हम किसी भी मैटर को लेकर चलते हैं, तो एक होता है सेंट्रल और एक होता है पेरिफेरल. यहां मैं आपको एक गाइडलाइन देना चाहूंगा कि नो डाउट आपको एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट्स के नाम पता होने चाहिए, जो भी आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ में पढ़े हो, नेम्स आई एम आस्किंग. अदर देन दैट, आपके कुछ थोड़े से टॉपिक, मान लीजिए आप कंप्यूटर के कैंडिडेट हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिफरेंस तो पता है आपको. कुल मिलाकर बात यह है कि आपसे बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले, वो आपसे जावा लैंग्वेज के अंदर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, चाहे आप एम सी हो, चाहे आप बी सी हो. हाँ, वो आपसे सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस क्यों आई, क्या जरूरी थी, यानी कि वो आपसे सिंपल बातें जरूर कर सकते हैं. तो बजाय इसके कि एक टॉपिक के डेप्थ में जाने के, आप सभी टॉपिक्स का थोड़ा थोड़ा पेरिफेरल कर जाओ, ये इंपॉर्टेंट है. क्योंकि स्टूडेंट्स, हो सकता है इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कभी कभी आपको पूछ भी लेता है कि भाई आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या आ रहा है, तो आप कहते हैं सर एग्जांपल मेरा फेवरेट है मैथ्स रहा है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस बहुत रहा है, सर मेरा फिजिक्स बहुत रहा है, केमिस्ट्री बहुत रहा है, सर मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी लगी, कुछ भी आप जो भी बोलते हैं, वहां से कभी कभी इंटरव्यूअर उस तरफ मोल्ड होकर आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है. पर कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटरव्यूअर इतना टाइम नहीं देता हमें ये पूछ कर कि आपने आपका फेवरेट क्या है, वो आपसे डायरेक्ट बोलता है हाँ जी आपने बी कॉम किया, तो ऑब्वियस है कि आपको अकाउंट, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस पता होगा, तो इन तीनों में हमें डिफरेंस बताइए, और आपको बताना पड़ता है. तो ये आपके ऊपर है कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो आप इंटरव्यूअर को किस तरफ मोल्ड करते हो या उसको किस डायरेक्शन में लेकर जाते हो. अब आपको ऐसा लगता है कि इंटरव्यू ले रहा है यार मैं क्यों मोल्ड करूंगा, पर एक्चुअली में होता ऐसा ही है. मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में आपको बोला है कि हम अपने पहले आंसर के अंदर इंटरव्यूअर को ये हिंट दे देते हैं कि हम पर्टिकुलर इंटरव्यू किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू स्टार्ट्स विद द वेरी फर्स्ट आंसर. आपने मुझसे बहुत बार ये सुना होगा. अब बात आती है कि अध्ययन जो करना है हमको सभी सब्जेक्ट्स का, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा आप किसी सब्जेक्ट को इग्नोर करके जाओ, मगर जितना भी आप पेरिफेरल में कर सकते थोड़ा सा, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं कहूंगा, मगर टॉपिक सब्जेक्ट्स जरूर करके जाने चाहिए. क्यों? क्योंकि चाहे वो बिहार विधानसभा ग्रुप डी का इंटरव्यू हो, चाहे वो कोई और इंटरव्यू हो, इंटरव्यूअर बहुत बार आपको मौका देता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने का. मैंने जितने भी अपनी लाइफ के अंदर इंटरव्यू देखे हैं, मोर देन 60-70% में सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है. yes, sir.
तो जब सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है और इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है तो हम उनको मिस क्यों करें? हम उनको करके जाएंगे। चाहे आप बीएससी बायोटेक हो तो भी एटलीस्ट पेरिफेरल लेवल आप जरूर करके जाओ। इतना अगर आपके अंदर गट्स है और इतना अगर आप कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको फेल कर सकता है। और इंटरव्यू में इंटरव्यूअर बहुत इंप्रेस होगा। उसके पास और भी तो क्वेश्चन होंगे, इवन आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करेगा ही करेगा। जिस भी जॉब के लिए आप जा रहे हैं, अगर आप कहते हैं सर मैं ऑफिस अटेंडेंट बनना चाहता हूँ, लाइब्रेरी अटेंडेंट बनना चाहता हूँ, या जो भी, तो आपका एक्सपीरियंस पूछेगा, कुछ आपके एजुकेशन, कुछ फैमिली, और भी तो क्वेश्चन, एचआर रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट रिलेटेड ही रहेगा, पर ये हमारे अंदर गट्स होने चाहिए कि अगर सब्जेक्ट रिलेटेड आता है तो हमें कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगी हमारे अंदर कमी और हम नहीं बता पाए, तो वो हमारे लिए गलत इंप्रेशन साबित होगा। तो इट्स योर ड्यूटी नाउ स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। जो भी सब्जेक्ट्स आज तक आपने किए हैं उनको एक बार रिवाइज गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। सिर्फ अपने आप को बिहार के नॉलेज से सीमित मत रखना। कोई जरूरी नहीं है कि वो आपसे सिर्फ बिहार के नॉलेज के बारे में ही पूछेगा, ऐसा कुछ भी बाउंडेशन नहीं है। हो सकता है वो आपसे बिहार के बारे में पूछे ही ना, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं क्या पता सब कुछ उसके बारे में ही पूछ लें और वहीं तक ही वो सीमित रहकर नई बातों में आ जाए। तो ये चॉइस इंटरव्यूअर की है, मेरी और आपकी नहीं है। तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एज पर द सब्जेक्ट्स, इट इज मैंडेटरी आई कैन से, बट डोंट टेक एंड गिव योर टाइम, होल टाइम टू सब्जेक्ट, इट इज रॉन्ग। गिव इट अ पेरिफेरल नॉलेज एंड दैट वुड बी इनफ फॉर यू। तो होप स्टूडेंट्स कि आप इस मेरे नॉलेज बात को समझ गए हैं, अप्लाई करके देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सक्सेस पा लोगे। तो मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू लॉट, थैंक यू।